हेलो बच्चों बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको करवाए थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर आपने वो पूरी वीडियो ध्यान से करी होगी मेरे साथ तो उसमें आपने देखा होगा कि कितने तरह के हमने अलग अलग वैरायटी के सारे सवाल कवर करे थे। और अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वहां तक के अपने पूरे क्वेश्चंस और पूरे डिस्कशन को जरूर कंप्लीट करना। बच्चों आज हम इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हर साल एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है जो आता है, यानी कि 4 से 6 नंबर तक की वेटेज अकेले इस टॉपिक की होती है। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक आप ध्यान से देखना और मैं इसमें सारे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन आज इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। चलो बच्चों तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने रजिस्टर में मेरे साथ हेडिंग डालना पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब बच्चों ये है कि हमारी अकाउंटिंग के दौरान कुछ एरर्स हो जाते हैं, यानी कि कुछ गलतियां हो जाती हैं और हमें उन गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ता है। जैसे आप क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ते थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हाँ सर, पढ़ते तो थे लेकिन बड़ा मुश्किल लगता था। तो बस आप ये समझ लो कि वही चीज अब हमें दोबारा से करनी है, लेकिन यहां पर एंगल बन जाएगा पार्टनरशिप का। तो यहां पर हमारे कुछ एरर्स हो जाएंगे जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? रेक्टिफाई करने के लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब ये जर्नल एंट्री जो होगी ये पास तो कर लेंगे, लेकिन इसको बनाने के लिए ही हमें सारी मेहनत करनी पड़ती है। ये है पूरा टॉपिक। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए या इस कॉन्सेप्ट्स को सारा अच्छे से आपको समझाने से पहले आप कुछ बेसिक चीज मेरे साथ चाहे दोबारा लिख लेना या ध्यान से सुन लेना। अब हम कुछ बातें करेंगे, बातें कुछ ऐसी करेंगे कि एक फर्म होगी और मान लेते हैं कोई पार्टनर होगा। अगर फर्म को, पार्टनर को कुछ देना है तो मैं आपको कहूंगा कि लिखो क्रेडिट। क्या लिखो? क्रेडिट। यानी कि अगर फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो वो उस पार्टनर को क्रेडिट कर देगी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर पार्टनर को, अगर फर्म को उस पार्टनर से कुछ लेना है तो फिर फर्म उस पार्टनर को डेबिट कर देगी। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि अगर फर्म को, पार्टनर को कुछ भी देना होगा तो आपको ध्यान रखना है कि हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसमें पार्टनर को लिखेंगे क्रेडिट। और अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसमें पार्टनर को हम लिखेंगे डेबिट। और क्योंकि हमें लेना देना दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी एक नियम बना लेते हैं कि जब जब भी देना होगा यानी क्रेडिट करेंगे तो उसे प्लस से संबोधित कर देंगे, और जब जब भी लेना होगा तो उसे डेबिट लिखेंगे और उसे माइनस से संबोधित कर देंगे। तो आप ये इतना छोटा सा, बस जरा सा, नन्ना सा ये बादल नोट कर लो ताकि जब मैं अगले 2 लेक्चर्स आपके साथ लगाऊं तो ऐसा ना हो कि आप सोचो कि अरे सर ये डेबिट क्यों कर रहे हो, क्रेडिट क्यों कर रहे हो। तो आपको पता होगा कि सर देने की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं, लेने की बात कर रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम यहां पर कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं बच्चों, ठीक है ना? यानी कि मैं आपको रेक्टिफाई करने के कुछ स्टेप्स सिखाऊंगा। अब इस स्टेप्स को 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हर स्टेप के पीछे के लॉजिक को समझा जाए और फिर उसको अप्लाई किया जाए। दूसरा तरीका है कि उस स्टेप को हम रट लें और फिर रटे हुए स्टेप्स को अप्लाई करके अपनी जर्नल एंट्री को बना दें। अब देखो प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर बहुत सारे टाइप के एरर्स होते हैं, यानी कि जब मैं आपके साथ इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आपको बताऊंगा कि जिसमें गलतियां हो सकती हैं। अब हर गलती के अगर मैं कॉन्सेप्ट के लॉजिक के पीछे जाऊंगा तो उसमें हमारा समय बहुत ज्यादा नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा बाध्य हूं समय को लेकर, और आपको तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पता चला हम एक ही एरर पर एक एक लेक्चर लगाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं जो आपको स्टेप्स बताऊंगा आप उसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उसका रीजन ये है कि ये जो लॉजिक्स हैं ये ऑलरेडी बुद्धिमान लोगों ने डिराइव करके हमें बता रखे हैं।
तो हम उसके पीछे अगर बहुत ज्यादा लगेंगे तो पढ़ तो जाएंगे लेकिन हमारा समय बहुत नष्ट होगा। तो इट्स बेटर कि हम क्या करें, वो स्टेप्स को बस एज अ स्टेप समझ लें कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसको एप्लीकेशन का उसका प्रोसेस समझ लें और अपने आंसर को सही निकाल लें, ठीक है ना। तो हम अलग अलग तरह की गलतियां बच्चों आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके स्टेप्स मैं आपको सिखाऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी। लेकिन मेरी गारंटी ये है कि आप दुनिया का कोई भी सवाल कर लेना इस टॉपिक का, वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये मेरी तरफ से श्योरिटी है, ठीक है ना। तो हम कुछ लॉजिक्स भी कवर करेंगे लेकिन ये तो आपको करना ही करना है, आप स्टेप्स जरूर याद रखना एग्जाम के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप पहले इतना सा नोट कर लो चाहे अपने रजिस्टर में, फिर मैं आपको समझाता हूं आगे का कॉन्सेप्ट। चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो आप सबसे पहले मेरे साथ अब हेडिंग डालना एरर्स। हमें ये पता होना चाहिए कि सर गलतियां कितने प्रकार की हो जाएंगी, क्योंकि जब हम गलतियों को समझेंगे तभी हम उसको सही करेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि हमें गलतियां समझनी है कि यहां पर गलतियां कैसे कैसे हो सकती हैं। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारा टाइप वन ऑफ एरर हो सकता है जो किसी भी एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होगा। तो आप लिख लेना नंबर वन, रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशंस। दूसरे टाइप के हमारे एरर्स हो सकते हैं जिनको हम टाइप टू कह सकते हैं। टाइप टू ऑफ एरर हो सकते हैं रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और तीसरे टाइप ऑफ एरर्स हो सकते हैं जिनको मैंने नाम दिया है स्पेशल एरर्स, ठीक है जी। तो अब देखना बिहार से बच्चों, हमने अपने एरर्स को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। पहली कैटेगरी तो है रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन, आप मेरे साथ साथ नोट करते रहना सब बच्चे। दूसरा टाइप ऑफ एरर हमने दे दिया है नाम रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और तीसरा तो कुछ टाइप ही नहीं है, वो तो स्पेशल एरर्स है, यानी कि उसमें तो अलग अलग तरह की बातें हो सकती हैं, ठीक है जी। तो अब देखो रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है। रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन में कैसी गलतियां हो सकती हैं वो अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं ये फर्म है और ये पार्टनर। कभी कभी क्या होगा कि फर्म कोई एप्रोप्रिएशन देना भूल जाएगा, जैसे फर्म को आईओसी देना था पर वो भूल गया, फर्म को सैलरी देनी थी पर वो भूल गया, फर्म को कमीशन देना था पर वो भूल गया, या उल्टा भी हो सकता है, फर्म को पार्टनर से आईओडी लेना था लेकिन वो भूल गया। तो ये सबसे बेसिक टाइप के एरर्स होते हैं जिसमें हम क्या कर देते हैं, ओमिशन कर देते हैं, यानी कि हम देना भूल जाते हैं। अब गलती तो बच्चों कितनी भी तरह की हो सकती है, गलती करने वाले के ऊपर कोई बाध्यता तो होती नहीं है, तो वो तो यहां पर तरह तरह की गलतियां कर देता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आईओसी 5% देना था पर गलती से 7% दे दिया, या 7% देना था गलती से 5% दे दिया। इसी तरह आईओडी में भी ये गलती हो सकती है कि 5% लेना था पर 7% ले लिया, या 7% लेना था और 5% ले लिया। तो इस तरह से गलतियां बच्चों कभी कभी एप्रोप्रिएशंस के अंदर कैसी भी हो सकती हैं। अगर इसको आप बड़ा ध्यान से थोड़ा सा लॉजिकली समझो तो बस इसमें गलतियों को आप कोशिश करो कंसाइज करने की कि वो क्या होंगी। या तो देना भूल गए या लेना भूल गए, या ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, या ज्यादा ले लिया और कम ले लिया, कुल मिलाकर यही बातें हो सकती हैं, और कुछ इसमें नहीं होगा। तो इन गलतियों को हमने नाम दे दिया टाइप वन एरर्स, कि भूल गए, देना भूल गए, लेना भूल गए, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, कम ले लिया, ज्यादा ले लिया, दैट्स इट। दूसरे तरह की गलतियां रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सबसे सिंपल है। इसमें ये गलती हो गई कि फर्म भूला कुछ नहीं है, सब कुछ दे दिया, लो भैया आईओसी ले लो पार्टनर, तुम जो देना है जो लेना है सब कुछ सही है, यहां तक कोई टेंशन नहीं। लेकिन गलती क्या हो गई कि जो प्रॉफिट था उसे मान लेते हैं सही रेशियो में बांटना चाहिए था 3:2:1 में, लेकिन पार्टनर्स को गलती से फर्म ने जो प्रॉफिट दे दिया वो किसी गलत रेशियो में दे दिया, मान लेते हैं 5:3:2। तो इस तरह की गलती को हमने नाम दे दिया टाइप टू, जिसमें प्रॉफिट के बंटवारे में गलती हो जाती है, प्रॉफिट के रेशियो में गलती हो जाती है, तो उसे हम कह सकते हैं टाइप टू एरर, यानी कि रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गड़बड़े हो गई है, ठीक है जी।
अब तीसरी कैटेगरी जो बनाई गई है स्पेशल एरर्स की एग्जाम के लिए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें कुछ भी गलतियां हो रही हैं, मतलब कि ये वाली गलतियां भी प्लस ये वाली गलतियां भी, मतलब सब कुछ मिक्स होकर वहां पर भी हो सकता है और कुछ नई गलतियां भी। और इसमें तो मैं आपको बताता हूं, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो बच्चे टीएस ग्रेवाल से पढ़ रहे हैं, उसमें आपको टीएस ग्रेवाल में उसके कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे भी नहीं इन इस टॉपिक को कवर करने में। इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा जो डीके गोयल सर की किताब है उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा। तो खैर, अब इसमें क्या क्या एरर्स होते हैं देखो, बड़े ध्यान से सुनना। इसमें टाइप वन में जो गलती है और टाइप टू में जो गलती है, यानी कि आपने कुछ अप्रोप्रिएशन में गड़बड़ करी, आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गड़बड़ करी, दोनों ही मिक्स होकर एक सवाल में आ जाएंगी। मतलब हमने प्रॉफिट भी गलत बांटा, हमने अप्रोप्रिएशन भी देना भूल गए, या ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, तो यानी कि इसमें हमारे दोनों एरर्स मिक्स हो जाएंगे। या फिर क्या गलती हो सकती है, इसमें हम रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना भूल गए, ओ, या इसमें हम किसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को देना भूल गए, ओ, तो ये यहां पर कुछ स्पेशल बच्चों हमारे एरर्स हो सकते हैं। या इसमें अभी एक आगे टॉपिक आएगा गारंटी का, गारंटी के टॉपिक के अंदर प्लस ये रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली गलती हो जाती है। तो मतलब ये कि इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं, इसीलिए इन गलतियों को हमने नाम ही अलग दे दिया, कैटेगरी ही अलग बना दी। तो हमें इस पूरे टॉपिक में देखो कितनी नाना प्रकार की गलतियों पर फोकस करना है, यानी ये तो अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड गलतियां होंगी, एक कैटेगरी है, इसके स्टेप्स अलग चलेंगे, या फिर प्रॉफिट गलत बांट दिया होगा, एक तरह की गलती है, इसके स्टेप अलग चलेंगे, वेरी सिंपल, और या फिर स्पेशल गलतियां हो सकती हैं, उनका स्टेप अलग चलेगा ये। तो आप सबसे पहले ये नोट कर लो, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। चलो अब मेरे साथ साथ लिखना सब बच्चे। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअली लिखवाऊंगा कि जो टाइप वन की गलतियां हैं उनमें आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है? बड़े ध्यान से सुनना, वेरी सिंपल। जब भी बच्चों कोई गलती होती है तो हम क्या करते हैं, हम उस गलती को सॉल्व करने के लिए ऐसा एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, ठीक है ना? ये हमारा एक वर्किंग नोट होता है। क्या होता है वर्किंग नोट? अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर सवाल में दो पार्टनर है तो दो कॉलम बना लो, तीन पार्टनर है तो तीन बना लो, चार पार्टनर है तो चार बना लो। हम अपने कॉन्सेप्चुअल डेमो के लिए तीन ले लेते हैं, ए बी सी, सिंपल। अब देखो आपको सिर्फ सोचना है, वेरी सिंपल। मान लो हम कोई अप्रोप्रिएशन देना भूल गए, फॉर एग्जाम्पल मैं आईओसी देना भूल गया, या मैं सैलरी देना भूल गया, या मैं कमीशन देना भूल गया, मैं कोई भी अप्रोप्रिएशन जब भी भूल जाऊंगा देना। आप उसको ऐसा सोचो कि भाई आपको पापा ने 100 रुपए दिए और कहा कि बेटा जाओ ये गरीबों में बांट दो। अब आप अगर वो देना भूल गए और ये बात आपको पता चल गई, अब तो आप क्या करोगे, अपनी गलती को सुधारोगे। तो अपनी गलती सुधारने के लिए अब आप पैसे दोगे, बस आपको इतना सा काम करना है। तो अगर फर्म कुछ भी अप्रोप्रिएशन देना भूल गई है तो वो क्या करेगी, वो इन सब अप्रोप्रिएशंस को दे देगी। मैं अलग अलग लिख के दिखा देता हूं। अगर वो आईओसी देना भूली है तो लिख देगी आईओसी क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है दे देगी, प्लस लगा देता हूं। अगर वो पार्टनर को कमीशन देना भूली है तो वो पार्टनर को कमीशन दे देगी, प्लस लगा देता हूं क्रेडिट। अगर वो पार्टनर को सैलरी देना भूली है तो वो पार्टनर को सैलरी दे देगी, क्रेडिट, प्लस लगा देता हूं। तो आप जो भी चीजें देना भूले हो सबसे पहले वो दे दो, ये तो कर लोगे सिंपल काम। और फिर उसके बाद बस आपको एक काम क्या करना है, आपको इन सारे अमाउंट्स को जोड़ना है, मतलब जो भी चीजें आप भूले थे इसको बोल सकते हैं टोटल अमाउंट, और उस टोटल अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर से वापस ले लेना है, यानी कि डेबिट करवा देना है। और डेबिट का मतलब मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, लेना, बस। तो ये छोटा सा स्टेप लगाते ही आपको प्लस माइनस सॉल्व करने हैं, वो तो आप कर ही लोगे मैथमेटिक्स, और फिर यहां पर कुछ आंसर आएंगे, किसी का पॉजिटिव आएगा, किसी का नेगेटिव आएगा,
पॉजिटिव वाले आदमी को करना है क्रेडिट, नेगेटिव वाले आदमी को करना है डेबिट, बस। तो टाइप वन ऑफ एरर में आपको सिर्फ ये काम करना है, हमारे सिर्फ ये स्टेप है टाइप वन ऑफ एरर में। तो आप ये छोटा सा टेबल ऐसे एज इट इज नोट कर लो कि भैया सर के हिसाब से ये हमारे स्टेप्स होंगे, अगर हम कोई चीज देना भूल गए हैं तो क्रेडिट कर दो और फिर उस अमाउंट को जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दो। तो ये तो हो गया एक स्टेप ऑफ हमारा कॉन्सेप्चुअल। अब इसमें जो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएंगे हमें उस पर चर्चा करनी है, वो आप बड़े ध्यान से सुनना। अब देखना कि अब इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं। नंबर वन, अगर हम कोई भी अप्रोप्रिएशन देना भूले, फॉर एग्जाम्पल हम आईओसी देना भूले, तो हम तो लिख देंगे आईओसी क्रेडिट, या अगर हम सैलरी देना भूले तो हम लिख देंगे सैलरी क्रेडिट, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर हम आईओडी लेना भूल गए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो पार्टनर से लिया जाता है, तो अगर आप आईओडी लेना भूले हो तो फिर क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि आईओडी हमें देना नहीं है पार्टनर को, तो आईओडी हमें डेबिट करना है, यानी कि एक तरह से हमें पार्टनर से लेना है। तो इस बात का विशेष बच्चों आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे। तो ये हम क्वेश्चंस में करेंगे भी, बट डोंट वरी, आप सिर्फ अभी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में हो तो आप सिर्फ स्टेप्स को ऑब्जर्व करो जो मैं लिखवा रहा हूं और बातों को ध्यान से सुनो, दैट्स इट। बाकी सब कुछ हमारे क्वेश्चन में कवर होगा, ठीक है ना। तो जो भी अप्रोप्रिएशन देना भूले उन्हें क्रेडिट कर देंगे, और अगर हम आईओडी लेना भूले तो उसको डेबिट कर देंगे। इतना कर दिया। अब यहां पर एक बड़ा ही विशेष रूल हमें ध्यान रखना है, इसे मैं कहता हूं भगवान कृष्ण का रूल। यानी कि भगवान कृष्ण ने हमें कहा कि हमें कमजोर का साथ देना है। अब कमजोर का साथ देने का मतलब क्या? तो देखो बच्चों, जब हम कोई इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें कुछ पार्टनर को देना भी है और कुछ पार्टनर से लेना भी है, तो यहां पर हमारा जो आखिरी स्टेप होता है उसमें हमें ये नहीं समझ आता कि हम क्या अमाउंट लें और क्या आगे स्टेप करें। तो उसके लिए हमने ये रूल बना रखा है, इसे बोलते हैं भगवान कृष्ण का रूल, कि भैया कमजोर का साथ देना है। अब कमजोर का साथ देने का मतलब क्या? मान लो आपने ये जितने भी आइटम्स जो क्रेडिट में लिखे हैं, इन सब क्रेडिट के आइटम्स का टोटल है 40,000 रुपए, और ये जो आपने आईओडी डेबिट में लिख रखी है तीनों की, इन तीनों आईओडी का जो डेबिट का टोटल है आइटम्स का, मान लेते हैं वो है 25,000 रुपए। तो आप इसको ऐसे समझो कि यहां पर दो टीमों की लड़ाई चल रही है। एक है टीम वन, इसमें 40,000 लोग हैं, एक है टीम टू, इसमें 25,000 लोग हैं। तो भगवान कृष्ण ने आपको फोन लगाया, कहा कि भाई सुनो, तुम्हें एक टीम का साथ देना है। तो आप पूछोगे भगवान कौन सी टीम का साथ दूं? तो भगवान कह रहे हैं देखो जो कमजोर टीम है तुम्हें उसका साथ देना है। तो आप कौन सी टीम का साथ दोगे? डेबिट की टीम का साथ दोगे। अब डेबिट की टीम का साथ आपको देना तो है, लेकिन अब भगवान कृष्ण ने आपको यह भी कहा कि भाई आपको अपने घर से कुछ सैनिक लेके जाने पड़ेंगे, इस टीम को ज्वाइन करना है, आपको सैनिक लेके जाने अपने घर से। तो सर कितने सैनिक लेके जाने पड़ेंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि उतने सैनिक लेके जाओ ताकि मुकाबला बराबरी का हो जाए। अब देखो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर क्रेडिट की टीम में 40,000 सैनिक हैं, डेबिट की टीम में 25,000 सैनिक हैं, और हमें अपने घर से कुछ और सैनिक लेकर जाने हैं ताकि दोनों टीमों की लड़ाई बराबर हो जाए, तो हम अपने घर से 15,000 सैनिक लेकर जाएंगे। ये देखो 15,000, जैसे ही हम 15,000 सैनिक लेकर पहुंचेंगे तो अब डेबिट की टीम में भी 40 बन गया, क्रेडिट की टीम तो पहले से ही 40 थी, तो दोनों की लड़ाई, दोनों का मुकाबला बराबरी का होगा। तब भगवान कृष्ण कहेंगे चलो अब ठीक हो गई बात। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर, हमें 15,000 रुपए को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेबिट की टीम का साथ दे रहे हैं, इसीलिए हम पार्टनर्स के 15,000 रुपए को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे। अच्छा अगर मान लो यही चीज उल्टी होती, सर अगर क्रेडिट साइड का टोटल होता सिर्फ 20,000 और डेबिट साइड का टोटल था 25,000, फिर क्या होता? फिर भी कुछ नहीं होता, फिर लगता तो वही भगवान कृष्ण का रूल, भगवान कृष्ण कहते जाओ कमजोर टीम का साथ दो। तो आप कौन सी टीम का साथ देते इस बार? क्रेडिट की टीम का।
और अपने कितने सैनिक लेकर जाते ताकि मुकाबला बराबरी का हो जाता, 5,000। तो उस केस में फिर हमारा स्टेप यहां पर देखो बन जाता, 5,000 रुपए को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि टाइप वन ऑफ एरर के जब मैं सवाल करवाऊंगा उसमें आपको ये स्टेप्स लगते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा टाइप वन ऑफ एरर है। अब इसमें दूसरी प्रोबेबिलिटी, वेरी सिंपल, मान लो आपको आईओसी देना था 5%, पर आपने गलती से पार्टनर को दे दिया 7%, ये गलती कर दी। तो अब हम क्या करेंगे सर? तो देखो वेरी सिंपल, अगर मैंने आपको 7 चॉकलेट दे दी गलती से और मुझे आपको सिर्फ 5 देनी थी, तो मैं क्या कहूंगा कि बच्चों बच्चों मैंने आपको 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा दे दी है, लाओ मुझे वापस कर दो, यही कहूंगा ना। तो अगर मैंने आईओसी 5% देना था पर गलती से मैंने 7% दे दिया, तो मैं पार्टनर से 2% वापस ले लूंगा। तो हमारा स्टेप देखो, पार्टनर से 2% आईओसी ले लो, लेने का मतलब डेबिट, लेने का मतलब डेबिट। बस फिर ये हम डेबिट करके जो भी अमाउंट आएगा उस टोटल अमाउंट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि अगर ऊपर डेबिट करा तो नीचे क्रेडिट करके हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। तो हमें फिर इस तरह के स्टेप्स भी आप देखना अगले क्लास में क्वेश्चंस में लगाते हुए नजर आएंगे। तो स्टेप वन जो है बेसिकली, या टाइप वन जो है एरर्स का, उसमें सारी गलतियां एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होंगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सर क्या स्टेप्स लगा रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं तो मतलब दे रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं तो मतलब ले रहे हैं। स्टेप्स हमारे यही चलेंगे जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, यानी कि इस तरह के कुछ कुछ, आप जो मैंने पहले आपको समझाया था कि जो भी चीज होगी वो इसमें आ जाएगी। अब आ जाओ टाइप टू ऑफ एरर पर। टाइप टू ऑफ एरर जो है बच्चों, उसमें तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, वो सबसे छोटा एरर है, यानी कि जिसमें हम गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते। तो देखो बहुत ही सिंपल कहानी है, मान लेते हैं 3 पार्टनर्स थे, मेरे पास 10 चॉकलेट्स थी और मैंने इनको गलती से क्या करा, 5:3:2 में बांट दिया, ये है गलत। जबकि मुझे पार्टनर को सही रेशियो जो था इनका वो था 4:4:2, यानी कि मुझे इसको 4 देनी थी, इसको 4 देनी थी, इसको 2 देनी थी, है ना। अब देखो मान लो ये गलती हो गई कि मैंने पार्टनर्स को प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया जबकि सही रेशो ये था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब उसके स्टेप्स क्या होंगे, वेरी सिंपल। अब देखो आप बस ये छोटी सी टेबल बना लेना, स्टेप्स आपको याद रखने हैं। तो हम इसमें पार्टनर्स को कहेंगे कि लाओ भाई जो ये मैंने प्रॉफिट्स तुम्हें गलत दे दिए थे ना 5, 3, 2, पहले मुझे ये वापस दे दो, लाओ मुझे वापस करो, ए लाओ वापस करो भाई, लाओ वापस करो, पहले मैं इनसे ये प्रॉफिट्स वापस लूंगा। यानी कि हम हमेशा प्रॉफिट्स पहले रॉन्ग रेशियो में पार्टनर से वापस लेते हैं, यानी कि डेबिट कर देते हैं, डेबिट का मतलब उनसे लेना। तो मैं पार्टनर से ये गलत रेशो वाला प्रॉफिट वापस लूंगा, मैं कहूंगा लाओ मुझे 5 वापस करो, 3 वापस करो, 2 वापस करो। तो अब मेरे पास 10 वापस आ गए। सबसे पहला स्टेप है गलत प्रॉफिट को वापस लेना, ठीक है जी। फिर मैं क्या करूंगा, वेरी सिंपल, फिर मैं इनको सही रेशो में दे दूंगा। मैं कहूंगा ठीक है ए तुम्हें अब मैं 4 दूंगा, बी तुम्हें 4 दूंगा, सी तुम्हें 4 दूंगा। यानी मेरा अगला स्टेप बन गया कि मैं अब इस प्रॉफिट को सही रेशो में, करेक्ट रेशो में इन तीनों पार्टनर्स को दे दूंगा, देने का मतलब है क्रेडिट कर दूंगा। तो बस ये बन गया जी आपका आंसर। तो आप इतना छोटा सा टेबल नोट कर लो, ये टाइप टू एरर तो सबसे इजी होता है, इसका तो मतलब समझ लो एक ही स्टेप है, एक ही वैरायटी है और यही वैरायटी है। तो बस ये टेबल नोट कर लो। चलो तो ये आपने टाइप टू का स्टेप नोट कर लिया। अब इसके बाद आप डाल देना हेडिंग टाइप थ्री एरर्स, यानी कि जो स्पेशल एरर्स थे, है ना। जब उनके सवाल कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कि स्पेशल एरर्स में जो लिस्ट लिखवाई थी, एक बार दोबारा से चाहे देख लो, वो लिस्ट ये थी कि भाई कभी कभी हमसे क्या हो जाता है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों एरर का मिक्सचर,
कभी कभी हम रिजर्व देना भूल जाते हैं, कभी कभी कम हुई हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना भूल जाते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट याद है ना कौन कौन से थे? इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा बोलो जल्दी बोलो मैनेजर्स कमीशन, तीसरा बोलो, तीन थे ना आपके लिए, रेंट पेड टू पार्टनर। तो फिर क्या होगा? कभी कभी गारंटी के साथ होगा, वो तो हम गारंटी के बाद देखेंगे। तो इस केस में हमें क्या स्टेप लगाना है, बस ये आप नोट कर लो कॉन्सेप्ट, बाकी मैं क्वेश्चंस में करवाऊंगा तो फिर आप देखना मजेदार बातें। तो इसमें तो सर आपके स्टैंडर्ड हैं स्टेप्स क्या? सबसे पहले तो हम जो प्रॉफिट्स हैं गलत वाले, उन्हें रॉन्ग रेशियो में वापस ले लेंगे, यानी कि क्या कर देंगे पार्टनर को? डेबिट, डेबिट। उसके बाद हम जो भी चीजें देना भूले, यानी कि मान लो हम आईओसी देना भूले तो वो दे देंगे, अगर हम सैलरी देना भूले तो वो दे देंगे, अगर हम पार्टनर को कमीशन देना भूले तो वो दे देंगे, और अगर हम पार्टनर से आईओडी लेना भूले, हाँ वो ध्यान रखना, तो आईओडी लेना है तो फिर वो डेबिट कर देंगे क्योंकि वो लेना है। तो हम उसके बाद क्वेश्चन टू क्वेश्चन इस तरह से अपने स्टेप्स को लगाना शुरू कर देंगे। तो यहां तक तो बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती। दो तकलीफों के पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, वो ये कि अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आप देना भूले हो, या आप अगर कोई रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करना भूले हो, तो बच्चा उसे भी टेबल में लिखने की कोशिश करता है। और आपको बस यही ध्यान रखना है, इसीलिए स्टेप लिखवा रहा हूं कॉन्सेप्चुअल, कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, ये चीज कभी भी टेबल में नहीं आती, नेवर। तो ये नोट कर लेना कि भैया हम अप्रोप्रिएशंस तो दे सकते हैं पार्टनर को यहां टेबल के अंदर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या रिजर्व जो है वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो पार्टनर को देना है ही नहीं, हमें वो अप्रोप्रिएशन है ही नहीं हमारे लिए, वो तो पार्टनर के लिए या तो चार्ज है और रिजर्व है तो रिजर्व में जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं, पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेते हैं, फिर जो भी अप्रोप्रिएशन देना भूले वो दे देते हैं, आईओडी अगर लेना भूले तो वो ले लेते हैं, लेकिन चार्ज देना भूल गए तो यहां नहीं लिखेंगे, रिजर्व रखना भूल गए तो यहां नहीं लिखेंगे, और फिर हम निकालते हैं अपना फाइनल करेक्ट प्रॉफिट। अब करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आ जाओ, आपको याद है शुरू शुरू के लेक्चरों में आपको पीएनएल एप्रो अकाउंट बनाना सिखाया था? हाँ सर। तो बस आप समझ लो कि वो पीएनएल एप्रो अकाउंट बनाना है, और उसमें जो फाइनल आंसर निकलता है जिसे आप डिविजिबल प्रॉफिट कहते हो, बस वही चीज आपको यहां पर निकालनी है दोबारा से, उसे कहेंगे करेक्ट प्रॉफिट, वो आपको सवालों में दिख जाएगा। और उस करेक्ट प्रॉफिट को जो भी पार्टनर्स का करेक्ट रेशियो होगा, उस करेक्ट रेशियो में हम उन्हें दे देंगे, यानी कर देंगे क्रेडिट। तो ये बन जाएगा हमारा नेट इफेक्ट का आंसर। बस तो टाइप थ्री एरर में देखो बच्चों, हमारी टेबल जो है यानी कि स्टेप्स, वो थोड़े से बड़े हैं और उसमें भी कुछ बारीकियां हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो आप ये टाइप थ्री एरर के भी इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो तो अब देखो, आज का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था पास्ट एडजस्टमेंट का, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जाने से पहले कि भैया गलतियां हो जाएंगी और हमें उन गलतियों को सुधारना है, बस ये है कहानी। गलतियों को सुधारने के लिए हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, और एडजस्टमेंट टेबल के अंदर हमें लगाने हैं स्टेप्स। तो गलतियां क्या क्या हो सकती हैं? गलतियां हो सकती हैं अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, कि देना भूल गए, लेना भूल गए, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, ज्यादा ले लिया, कम ले लिया, बस। तो अगर ये गलतियां हैं तो आपको स्टेप बिल्कुल सिंपल याद रखने हैं, जो देना भूले उसे दे दो, क्रेडिट कर दो, जो लेना भूले उसे ले लो, डेबिट कर दो। उसके बाद भगवान कृष्ण का रूल लगा दो, अगर जरूरत पड़े तो आपका आंसर आ जाएगा। कट, टाइप टू एरर, गलत प्रॉफिट में बांटा, इसका स्टेप सबसे सिंपल। अगर जो आपने गलत प्रॉफिट को बांट दिया गलत रेशो में, तो सबसे पहले स्टेप में उनसे वो स्टेप में वापस ले लो, फिर करेक्ट रेशो में उनको सही प्रॉफिट वापस दे दो, जैसा हमने यहां पे करा था, ये रहा सिंपल। और जो हमारी तीसरे एरर्स हैं, स्पेशल एरर्स, जिसमें कुछ स्पेशल सवाल होंगे, जिसमें दोनों तरह के एरर्स मिक्स हो गए, कि देना भी भूल गए, रेशो भी गलत हो गया, या हम रिजर्व रखना भूल गए, कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना भूल गए, तो इसमें हमें लगाने हैं ये वाले स्टेप्स,
कि सबसे पहले गलत प्रॉफिट को वापस ले लिया रॉन्ग रेशो में, लाओ पार्टनर्स, फिर जो चीजें देना भूले वो उनको दे दी, आईओडी लेना भूले तो वो उनसे ले ली, और अगर चार्ज या रिजर्व देना भूले वो यहां नहीं लिखेंगे, ये याद रखना है। और फिर हम निकालेंगे अपना करेक्ट प्रॉफिट, जो पीएनएल एप्रो में हम ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं, सीख चुके हैं, और उस करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में पार्टनर्स को दे देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, इसे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना और कमेंट कर देना देखने के लिए कि बच्चों ने पूरा लेक्चर देखा है कि नहीं। एक बार मुझे बता देना कि कितने तरह के एरर्स आज आपने सीखे इस लेक्चर से। और अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा और वो क्वेश्चंस मतलब हर वैरायटी के होंगे, कोशिश करेंगे कि सारी वैरायटी कवर हो जाए, लेकिन उससे पहले आप आज के लेक्चर को अच्छे से जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी रेगुलर पढ़ाई करते रहें, और फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बच्चों, टेक केयर।